अर्चना का फोन आया था कुछ ग्रोसरी से लेकर जाना, मैंने वो उठा लिया आस्था से। जब हम घर जाएंगे, हम नहीं मतलब मैं, हम निकलते हैं उससे। इतना सुंदर ब्लू है आसमान से है। मी अगेंस्ट द ब्लू। इंडिया में जब मैं था तो मैंने दुर्गा को एक किसी दिन क्यों भग गई तू का शूट था ना, उस दिन मैंने दुर्गा को कॉल किया, मैंने कहा आज मैंने टर्किश एग्स खाए हैं, याद है तेरे को? इन चीज लूट अप की रेसिपी, इन चीज़ें क्या नहीं, क्या चीज़ है बेसिकली, दही वही में डाल के चिली ऑयल के साथ है ना, ऐसा कुछ बनता है करके थे। तो वो उसने ट्राई किया, उसको भी बहुत पसंद आया। और नाउ अभी डिनर के लिए हम लोग टर्किश एग्स और स्टार डो का ब्रेड होता है वो खा रहे हैं। टर्किश एग्स, नॉट टर्किश, मैं टर्किश एग बोल रहा हूँ ना, वो नहीं, नॉट टर्किश, इट्स टर्किश एग्स। इंग्लिश टीचर है ना ये, हुआ करती थी। गलत चीज बन गई है। वाह, किसने सोचा था दही और अंडे का कॉम्बिनेशन इतना अच्छा लगेगा। कीचू महाराज एक घंटा सो के उठ गए हैं। अब पुरानी बातें आपको तो पता ही है, मैं मतलब इस समय प्रेजेंट में नॉस्टैल्जिया में जी रहा हूँ। गंद देख के बुरा मत मानना, क्योंकि अभी हम सफाई कर रहे हैं इसकी, वर्क इन प्रोग्रेस। क्या है फाइव उस फिंगर में कैसा है? क्या बात है, शाबाश। Who taught you? Karen, thank you. Good morning everyone. कीचू महाराज उठ चुके हैं। क्या टाइम हो रहा है? 7:30 बज रहे हैं सुबह। मैं 6:30 का उठा हूँ। फॉर सम रीजन हम लोग कल अराउंड 10:00 सो गए थे सब लोग। मेरा तो एक्चुअली इंडिया के हिसाब से फिर भी मैं 3:30 सोया हूँ सुबह, बट उस वजह से क्या हो गया, इंडिया के रूटीन की वजह से मेरा यहाँ का रूटीन सेट हो गया कि मैं 9:30 से मुझे ऐसी नींद आनी शुरू होती है ना कि मैं क्या बताऊँ। एनीवे तो मैं सुबह उठ गया था, पहले मेरी 4:00 नींद खुली, मैंने कहा 4:00 उठ के क्या करूँ, फिर से आँख बंद करके लेटा रहा, फिर 6:00 उठा, फ्रेश व्रेश हुआ, उसके बाद फिर काम पे लग गया। गोगी गोगी गोगू मेरे गोगू कीचू का फेवरेट है, चाहे हमें पसंद हो या ना हो। अर्जुना बड़ी हार्ड है यार ये ब्रेड, बड़ी हार्ड हो गई है फ्री में। That's पत्थर। What's that पत्थर? पत्थर। साड़ ओं ब्रेड है एक, लेकिन ऐसा लग रहा है पथरीली ब्रेड है, पथरीली। Apparently this is the healthiest type of bread that you can have. Yummy. Yeah, that's a rice cake and it's healthy also. That is not spicy. It's not spicy. You want to have it? Yes. Okay. नाश्ते की तैयारी हो रही है कीचू के लंच की। क्रिस्पी टोस्ट उसको लंच में चाहिए, उसको ये नहीं पता कि क्रिस्पी रहेगा नहीं, मैं उसको समझा चुकी हूँ, बट आई वांट क्रिस्पी टोस्ट। पापा भी गए हैं। बाय कीचू। बाय पापा, सी यू इन द इवनिंग।
मैं और दिव्या आ चुके हैं कैफेटेरिया पे छोटी सी कॉफी डेट के लिए. दिस इज शुगर फ्री वनीला लाटे. डेट के साथ मैं यहाँ बैठ चुका हूँ. अब मिनी कॉफी डेट ओवर. अब जा रहे हैं घर, काम पे लगेंगे. वर्क फ्रॉम होम है दिव्या का. हाँ मैं कर रही हूँ फिश को मैरिनेट करके रेडी. ये मैंने आजदा से लिया है और ये काफ़ी अच्छा है, बहुत टेस्टी है. ये जब फ्रेंड्स आए थे तब भी मसाला फिश बनाई थी. मसाला के अंदर मैंने डाला है पानी 150 ml और 2 चम्मच तेल. लोग तरसते हैं यहाँ पे धूप के. देखना तेरे चेहरे पे लाइट नहीं है. लाइट की वजह से बोल रहा हूँ मैं, ऐसे सिनेमैटिक. 3 महीने ऐसे उसमें रही हो कि धूप कब आएगी. धूप मैं जादू बन गई है यहाँ पे. तुम लोग इतनी धूप से कोई दिक्कत नहीं है, बस शॉट खराब हो जाता है. चलते हैं जिम. जिम डन. मजा आ गया, अच्छा लग रहा है. एक बार जिम की आदत पड़ जाए इससे बेहतर और कुछ नहीं है भाई. बहुत धूप है आप देख सकते हो. हाँ गर्मी. तो आज था मेरा लेग डे. सिर्फ लेग्स करिए आज आइसोलेट करके. कल अब चेस्ट मारूंगा. तो भाई और बहनों दिव्यास किचन में आज पक रहा है मसाला फिश. क्या है ये? वाह. टुडे वी आर एक्सप्लोरिंग द बंगाली साइड ऑफ फिश एंड चिप्स की तैयारी. जिम से आके नहा धो लिया था, बीटल्स वाली शर्ट पहन ली थी और मेरी कॉल थी वो अटेंड करके. फिर हमने भी फिश एंड चिप्स जो दिव्या ने घर पे बनाए थे वो खाए. फिलहाल दिव्या देखते हैं हमारा रीयूनाइटिंग वाला जो व्लॉग है वो. मैं स्टूडियो में कुछ काम कर रहा था, नीचे से कीचू की आवाज़ आ रही है. कीचू आ गया. वेयर इज पापा मम्मा, वेयर इज पापा. मैं आता हूँ उसको सरप्राइज करता हूँ. कीचू हाउ आर यू? पूछ रहा था अभी. हाँ आवाज़ आ रही थी मुझे इसकी. कपड़े धुल भी गए और सूख भी गए. ड्रायर का फायदा. आई एम गोइंग टू जेल. व्हाई व्हाई? यू कैरी वेरी गुड. पापा को भेज जेल क्योंकि मैंने तेरे घुटने पे ऐसे मारा था इसलिए. कैन यू फोल्ड दिस क्लोथ्स? ओके. हाय. या कैन यू फोल्ड देम प्रॉपर्ली? पहले कहता ओके फिर वो कर गया. ऑलरेडी मैं गाड़ी में बता चुकी थी जान से पहले कि इसकी टीचर सुबह बोल रही थी कि अपने आप जूते पहन लेता है बाहर जाते हैं तो बहुत अच्छे से करता है. तो अभी बस मैं लेने गई तो लास्ट बचा हुआ था ये नसीब. तो मैंने कहा कि हाउ वाज हिज डे? मैंने कहा बहुत अच्छा दिन था एंड ही इज रियली वेरी गुड विद नंबर्स. तो बहुत अच्छे से बताता है. फिर मुझे याद आया कि कल ये पूरा फिंगर्स में बता रहा था और वही टीचर थी कैरन. तो मैंने बोला कि yesterday he was telling us on his fingers that you know I can count till 10 and it was so exciting for us as parents. तो खुश हो रही थी कि no no he's so good and he's very very smart. जैसे कि रे हम तो कुछ ऐसे होगा कि spaghetti थी इनके इनको खिला रहे थे तो उनको count करने को भी बोल रहे थे साथ साथ you count. तो सब बच्चों ने काउंट किया और ये वो कह रही ये बहुत आगे तक पहुंच गया, कम से कम 25-26 तक पहुंच गया. अच्छा 30 तक भी पहुंच गया
पर कह रही 25 के बाद 27 29 ऐसे हो गया था वो, तो कह रही उसके बाद फिर खत्म हो गया सब, तो सब खत्म हो गया है सब कुछ, और उसके बाद इसने दोबारा से काउंटिंग शुरू कर दी कि मैं दोबारा करूंगा तो मुझे और प्लेट तो कह रही मैं उसको देख रही हूँ यार अभी वेरी क्लेवर है, ये बाकी किसी बच्चे ने नहीं किया है, किसी ने नहीं किया, अच्छा इसने किया कि अच्छा काउंट करने से यू नो आई कैन आई विल गेट मोर इफ आई स्टार्ट काउंटिंग अगेन. वेट, कैन आई हैव 2 मिनट्स प्लीज? प्लीज 1 मिनट, आई एम टॉकिंग टू पापा. ओके, यू नीड टू वेट. से ओके, गुड, ओके पापा. तो इसने दोबारा से काउंटिंग शुरू कर दी कि अब मुझे और स्पेगेटी मिलेगी. तो फिर वो फिर बोल रही थी कि बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड भी है ये और इमोशनल है. तो मैंने कहा कैसे? तो कह रही एक बच्ची आई है अभी, नहीं नहीं वो अभी 2 इयर्स की है, 2 इयर्स की हुई है. कह रही उसके और हमारे सेटलिंग सेशंस हो गए थे, नाउ शी स्टार्टेड. तो ऑब्वियसली बीच बीच में इमोशनल हो रही थी वो, तो जैसे ही वो रोती थी या कुछ तो आके बताता था Karen, she's crying. Karen, look at her. जैसे बाय चांस कोई और टीचर सवार रही हो तो Karen को जाके बोल ही रहा है. और फिर कह रही कि जब वो जाने लगी तो इसको उठ के कह रहा है बाय बाय, तो उसने भी बाय किया. फिर आके कहता मतलब दरवाजे तक गया, उसको हग किया जाने से पहले. कह रही अब हम सारे एक दूसरे को देख रहे थे कितना इमोशनल है ये, कि मतलब वो भी इतनी खुश हो रही थी क्योंकि ऑब्वियसली नए नए आपको याद होगा जब हम कीचू एडजस्ट होने में कितना टाइम लगता है. तो कह रही उसके पेरेंट्स भी इतने खुश हो गए कि शी इज ऑलरेडी मेड अ फ्रेंड. और ये जाके उसको उसने हग किया और बाय किया, वो इतनी खुश होकर बाय करके गई है. Wow. तो मैंने कहा दैट्स सो क्यूट. मैंने कहा आप हमें ऐसे ही बताते हो मतलब ऑब्वियसली, बट हमारे लिए ये छोटी छोटी चीजें इतनी बड़ी है कि यू नो फिश क्या. Are you acting like you've been shot? Ah!